बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है जो आपके सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे। और ये इतनी टेस्टी और क्रिस्पी कैसे बनती है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है और उसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून अजवाइन और 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल देने हैं। और इन सारी चीज़ों को हाथ से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको खूब टाइट गूंद लेना है। अब इसको हमने खूब टाइट गूंद लिया है और ये डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए 2 बड़े आलू को अच्छी तरह से बॉईल करके इनके पीसेस कर लिए हैं। अब मैशर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। और इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो सके। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब थोड़ी सी फ्लोर डस्ट डालेंगे और इसका एक पेड़ा बना के उसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको खूब अच्छी तरह से बेलना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला बेलना है, बल्कि ये देखिए इसकी मोटाई बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इस पर फिलिंग फैला देंगे। तैयार की हुई फिलिंग को स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालना है और फिर स्पून की मदद से पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फैला देना है। फिलिंग को रोटी पे अच्छी तरह से फैला दिया है और ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाई है। अब इसको एक साइड से हाथों की मदद से फोल्ड करना शुरू करते हैं। पूरी रोटी को अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद इसके दोनों साइड्स को बंद कर देना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकलने पाए। अब इसको बीच से काट लेना है और फिर इसके 1 इंच के छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। इसको तेज़ धार छुरी से काटना है और फ़ौरन से नहीं काट लेना है, बल्कि इसको बड़ी एहतियात से आराम आराम से काटना है। अब एक पीस काट के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हाथ की उंगलियों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक प्लेट में रख देंगे और सारे पीसीस को बिल्कुल इसी तरह से काट लेना है। सारे पीसेस फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्राई करने के लिए एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें 2 टेबल स्पून मैदे के डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। इनको डीप फ्राई करना है। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। अब एक एक पीस को मैदे के पेस्ट में डिप करना है और फिर कढ़ाई में डाल देना है और फिर इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को लो रखना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब इनको डिश आउट कर लेना है। और इसी तरह से सारे पोटैटो पिनव्हील्स गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेने हैं। तो व्यूअर्स, टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो पिनव्हील्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।